हेलो गाइस, स्वागत है यार सभी का पीसी वाले यूट्यूब चैनल पे। और आप में से कई लोगों ने मुझे बोला कि मैं क्रिप्टो करेंसी कैसे माइन करनी है, इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊं, बहुत डिटेल। तो उसी की आज हम शुरुआत करने वाले हैं। और आज की जो ऑडियो है वो तुमको एक नए माइक से आ रही होगी, मैंने नया माइक यूज़ किया, तो अगर ख़राब ऑडियो आ रही है तो माफ़ करना भाई, लेकिन फिलहाल तो ये यूज़ हो रहा है। तो देखो, पहले माइनिंग के लिए ना मैं तुम्हें दो चीज़ें बता देता हूँ। तुम्हें दो जगह अकाउंट बना लेना, मैं दिखा देता हूँ। एक तो तुम अकाउंट बना लेना किसी भी वॉलेट में, जैसे पहले तो किसी एक्सचेंज में अकाउंट बना लेना। चलो एक्सचेंज के बाद में बताता हूँ, पहले वॉलेट का बोलता हूँ। कोई भी एक वॉलेट पसंद कर लो जो तुम्हें पसंद है। मैं पर्सनली तुम्हें सजेस्ट करूंगा, मैं तो वैसे खुद यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ खुद पर्सनली, मैं जो यूज़ करता हूँ, मैं यूज़ करता हूँ जैक्स और एक मेटामास्क। मैंने एक्सटेंशन में शायद उनको डिसेबल किया हुआ है फिलहाल के लिए, दिखाने के लिए। मैं ज़रा एक मिनट, कहाँ होता है एक्सटेंशन का ऑप्शन, मोर टूल्स में आता है शायद एक्सटेंशंस। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो मैंने यहाँ पे शायद, हाँ ये रहा है, इसे इनेबल कर लेता हूँ मैं, जैक्स को और मेटामास्क, ये दो एक्सटेंशन मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, तो इन्हें मैंने इनेबल कर लिया, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे क्रोम में जब तुम यूज़ करोगे ना, जैसे ये तो नैनोपोल खुला हुआ है, जैसे मान लो तुम कोई भी वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हो, तो यहाँ पे जो तुम्हें दिखा देगा जैक्स और मेटामास्क। तो जैसे तुम जैक्स ऑन करोगे, ये देखो ये एक्सटेंशन है, इसे जैसे तुम ऑन करते हो तो ये खुलेगा। अभी टाइम ले रहा है शायद खुलने में, ये मैंने अभी अभी एक्सटेंशन इनेबल किया, तो शायद ये टाइम ले रहा है ऑन होने में। पर इसमें जो तुम्हें काफ़ी सारी करेंसीज का सपोर्ट मिल जाता है जैक्स में, इसका ऑप्शन एक फ़ायदा ये है, इसमें तुम्हें काफ़ी करेंसीज का सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे तुम्हें इसे खोलोगे ना, तो मैं पे बिटकॉइन क्लासिक, बिटकॉइन इथीरियम क्लासिक, इथीरियम और बाकी बहुत सारी करेंसीज का तुम्हें इसमें सपोर्ट मिल जाता है, इसमें तुम खोलना और चेंज कर लेना। ठीक है, ये अभी पता नहीं ये क्या हो गया, इसे क्रोम जब से मैंने अपडेट किया है ना, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। ठीक है, मेटामास्क का भी सेम है, मेटामास्क ये पता नहीं कब वो कैसे ओपन होगा भाई, ये जैक्स बिटकॉइन वॉलेट। हाँ तो शायद अब खुल जाए, हाँ मेरा नेट भी स्लो है एक, तो चलो ये खुल क्यों नहीं रहा है मेरे भाई, एडिट टू क्रोम तो, पर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है। तुम इसे नॉर्मली ये जो क्रोम वेब स्टोर होता है ना, ये URL यहाँ से सर्च मार के डाउनलोड कर लेना एक्सटेंशन। ये मेरा पता नहीं अभी खुल क्यों नहीं रहा है यार, वीडियो बनाते ही दिक्कतें आती है, आज से ज़्यादा भी दिक्कत। एक खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया भाई, खुल गया। सॉरी गाइस, वो थोड़ा कुछ मेरे ख्याल से शायद मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में यूज़ कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में मूवी भी चल रही है और ऐसी कुछ है। तो देखो ये सब है ना, इसे एक्सेप्ट कर लेना, डोंट शो दिस अगेन, ये भी जो है इसे क्लोज कर लो। देखो देखो ये मेरा बिटकॉइन का एड्रेस है, इसमें इसने दिखा दिया बिटकॉइन का एड्रेस, तुम यहाँ पे इसे क्लिक करोगे तो ये कॉपी हो जाएगा, देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड दिखा रहा है। ठीक है, देखो इथीरियम, इथीरियम का भी इसमें तुम्हें मिल जाएगा, इथीरियम का भी वॉलेट ही आएगा। डोंट शो दिस अगेन पे कर देते हैं क्लोज, तुम ये किसी को शो मत करना अपना। तो देखो मेरे वॉलेट में मैंने कुछ नहीं है, तो देखो ये जीरो दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें लाइट कॉइन मिल जाता है, देखो बहुत सारी करेंसीज है यार इसमें, बहुत है, देखो डैश है, जी कैश है, ये पास्कल है क्या, छोटे छोटे दिख भी नहीं रहा है, ये कोई और करेंसी है। देखो तो बहुत सारी करेंसीज को तुम्हें इसमें ऑप्शन मिलता है, देखो वॉलेट्स में जाओ, देखो कितनी सारी करेंसी है, इथीरियम, इथीरियम क्लासिक, लाइट कॉइन, डैश, जी कैश, डॉज कॉइन, बिटकॉइन कैश, बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा। देखो तुम्हें काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, मेटामास्क भी सेम है, मेटामास्क लेकिन सिर्फ इथीरियम के लिए है, तो तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। और उसका जो है एड्रेस, जो भी यहाँ पे एड्रेस था ना जैक्स, मैंने तुम्हें दिखाया वो जो कॉपी हुआ था, ठीक है, वो जो भी एड्रेस कॉपी हुआ था, उस एड्रेस को कॉपी करके रख लो। ठीक है, उसे कॉपी करके रख लो, मेन चीज़ उसमें, तुम कोई और वॉलेट यूज़ कर सकते हो, मैं ये तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, तुम चाहो तो कोई और यूज़ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैंने तो बस वो बताया कि भाई तुम ये यूज़ करो। उसके बाद तुम्हें क्या करो, जो भी तुम्हें करेंसी माइन करनी है, पहले करेंसी चुन लो, ठीक है, तुम्हें कौन सी करेंसी माइन करनी है। अब पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, तुम्हें प्रॉफिट होना चाहिए करेंसी में, तो मैं तुम्हें कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं गया क्रिप्टो कंपेयर में, अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहले माइनिंग हम बाद में करेंगे, मैं पूरे बताऊंगा वीडियो में कि कैसे माइनिंग करनी है, क्या करना है सब कुछ। तो जैसे ये क्रिप्टो कंपेयर है, XMR सेट है, मान लो इथीरियम बहुत प्रॉफिटेबल करेंसी है, इथीरियम बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल करेंसी है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जैसे मैं इथीरियम पे जाता हूँ, तो ETH, ये इथीरियम का साइन है ETH, तो जैसे यहाँ पे मैं बिजली के लिए फिलहाल के लिए जीरो मानता हूँ, बिजली का बिल वगैरह सब कुछ मैं जीरो मानता हूँ। ठीक है, मैं सब कुछ जीरो मान रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरी जो पावर है ना, पावर कंजम्पशन, जैसे मान लो मेरी हैश पावर है 200, तो ये यहाँ पे ये सब क्यों दिखा रहा है भाई, पावर कंजम्पशन पहले 200 पे सेट था पर वॉट, हाँ चलो इसको 200 ही रहने दो। और जो मतलब बिजली का कॉस्ट है इसको मैं जीरो मान रहा हूँ कि हमारा बिजली का कोई खर्चा नहीं आ रहा है, लेकिन अपने अपने इलाके के हिसाब से अपना अपना होता है। जैसे मान लो मेरे यहाँ तो थोड़ी शायद बिजली सस्ती है मेरे ख्याल से, शायद तुम लोगों के वहाँ क्या पता महंगी हो, तो अपने हिसाब से उसमें डाल लो। जैसे अगर मेरा, मेरी हैश पावर, मेरा ग्राफिक कार्ड
हैश पावर देता है 200 हैश मेगा हैश पर सेकंड का, तो मुझे महीने के 584 डॉलर मिलेंगे। अगर मैं 84 को छोड़ दूं, सिर्फ 500 डॉलर भी राउंड ऑफ करके मान के चलूं, मान के चलते हैं 84 डॉलर तुम्हारा बिजली का बिल आता है, 84 डॉलर तुम्हारा बिजली का बिल आ रहा है, लेकिन 584 में से अगर 84 डॉलर बिजली का बिल आ रहा है तो बचे 500 डॉलर। 500 डॉलर यानी आज के हिसाब से कितने हो गए, अगर डॉलर वैसे तो 67 68 के हिसाब से चलता है, लेकिन अगर मैं डॉलर को 60 भी मानूं तो भी हमारे पास लगभग 30,000 रुपये पर महीने आ रहे हैं। तो अब तुम कैसे पता करोगे तुम्हारा ग्राफिक कार्ड कितने हैश दे रहा है? तो तुम सिंपल कर सकते हो, जैसे मान लो सर्च कर लो GTX 1070 हैश रेट इथीरियम, जैसे मान लो मोनेरो मान लेते हैं, चलो हैश रेट मोनेरो दिखा रहा है ऑप्शन में, जो भी तुम्हारी करेंसी है इथीरियम इथीरियम तुम मान सकते हो। देखो तुम्हें कहीं ना कहीं किसी ना किसी वेबसाइट पे कौन ना कोई दे देगा, ठीक है, कि तुम्हें कौन कितना हैश रेट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे दिखा है GPU एंड CPU बेंचमार्क्स फॉर मोनेरो माइनिंग, तो दिखा देगा तुम्हें, तुम्हें लगभग गूगल में लगभग लगभग तुम्हें अंदाजा मिल ही जाएगा कि कितना कितना हैश रेट कौन ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करता है। देखो 1080 Ti का दिया हुआ है, 1050 का दिया है, 1050 Ti का दिया हुआ है, 1060 का दिया है, 1080, 1070 का नहीं दिया इन्होंने, तो चलो 1050 Ti का मान लेते हैं। तो 1050 Ti का कितना दिया हुआ है इन्होंने हैश, देखो ये दे रहा है 343 हैश, तो ये है नॉन ओवरक्लॉकेबल स्पीड, ठीक है 343। तो जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं और मोनेरो पे सेट करते हैं, XMR मोनेरो का साइन है, तो यहाँ पे डालते हैं हम 343, तुम में से जिनके पास 1050 है तो उनको महीने का अगर हम इसको हटा दें तो तुम महीने का तुम कमाओगे $21, जो कि लगभग कितना होता है, 21 2 12 1200 के आसपास है, या 12,000, 12,000 नहीं 1200, तो महीने के तुम मोनेरो में 1200 कमाओगे, लेकिन इथीरियम में तुम जाओगे तो कुछ और भी कमा सकते हो। अगेन वो नॉन ओवरक्लॉकेबल स्पीड थी, ओवरक्लॉक करके ज़्यादा मिल जाएगी। तो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हें किस करेंसी में तुम्हारा ग्राफिक कार्ड जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है। तो तुम इस तरीके से करेंसी चुन लो पहले कि तुम कौन सी करेंसी माइन करने वाले हो। तो देखो मैंने काफ़ी लंबी वीडियो ये होने वाली है, तो देखो अब जैसे मान लो तुमने कोई भी करेंसी चुन ली, वैसे तो ये सारी फेमस फेमस करेंसीज हैं जितनी भी दिख रही हैं, नैनो पूल है, काफ़ी पॉपुलर है, पूल है काफ़ी बहुत पॉपुलर पूल है, कोई सी भी करेंसी चुन लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने इथीरियम चुन लिया, इथीरियम क्लासिक चुन लिया, साया कॉइन चुन लिया, पास्कल चुन लिया, मोनेरो चुन लिया, इलेक्ट्रोनियम चुन लिया, कोई भी चुन लिया, ठीक है। अब जैसे मान लो तुमने कोई भी चुन लिया, जैसे मान लो तुमने साया कॉइन चुन लिया, फॉर एग्जाम्पल तुमने साया कॉइन चुन लिया, साया कॉइन पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ये साया कॉइन की वो खुल जाएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे तुम्हें टॉप माइनर्स वगैरह दिखा रहा है, कितने वर्कर्स वगैरह है वो दिखा देगा, देखो ये सब दिखा रहा है। तुम यहाँ पे जाओ इस हेल्प सेक्शन में, हेल्प सेक्शन में जाओ, मैं तुम्हें पूरा बताऊंगा कैसे डिटेल में निकालना है, क्या करना है, पैसे तुम कैसे निकालोगे इसमें से, पैसे भी पैसे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखो जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डाउनलोड क्लेमोर डुअल माइनर, ठीक है, तो जैसे तुम इस पर क्लिक करोगे तो ये तुम्हें एक गिटहब पे ले जाएगा, मेरे ख्याल से शायद ही गिटहब पे ही ले जाएगा, और वहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दे देगा डाउनलोड करने के। देखो ये डाउनलोड का इसने डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया, तो देखो मेरा डाउनलोड का ऑप्शन हो गया, पर मैंने डाउनलोड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने किया हुआ है डाउनलोड, तुम चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और मैं दूसरा माइनर यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन भी दी हुई है, जैसे अगर तुम यूरोप में रहते हो तो तुम्हें ये चीज़ यूज़ करनी है, ठीक है, ये सर्वर यूज़ करना है, एशिया हो तो ये वाला सर्वर यूज़ करना है, ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है इसमें। तो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी से कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे सेट करना है, ठीक है। ये तो मैंने तुम्हें बता दिया इसका। जैसे मान लो तुम इथीरियम माइन करते हो, फॉर एग्जांपल इथीरियम बहुत पॉपुलर है, लोग इथीरियम ही माइन कर रहे हैं। जैसे मान लो तुम फॉर एग्जांपल इथीरियम पे जाते हो, तो तुम इथीरियम पे जैसे क्लिक करते हो, तुम जाओ फिर से हेल्प सेक्शन में, चल जाओ इस हेल्प सेक्शन में, तो देखो डाउनलोड क्लेमोर डुअल माइनर। तो तुम्हें कई इस जरूरी नहीं तुम नैनो पूल यूज़ करो, तुम कोई और भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी अपने ऊपर है, ठीक है। तो ये सब जब तुम डाउनलोड कर लोगे ना, तो उसको तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये इथीरियम का है, ठीक है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा, कभी कभी ये छोटा भी होता है, पर ये डुअल माइनर है, मतलब ये दो करेंसी एक साथ माइन करेगा। तो इसको तुम एक्सट्रैक्ट टू करके, जहाँ पे तुम एक्सट्रैक्ट करना है, डेस्कटॉप डेस्कटॉप जहाँ पे यूज़ करना है, नया फोल्डर बना के जहाँ मर्जी वहाँ कर लो, मैंने किया हुआ है तुम लोग को दिखाने के लिए, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये अलग अलग तरीके से होता है, मैं तुम्हें दो तीन किए हुए, मैंने जैसे इथीरियम भी किया हुआ है मैंने, ये रहा इथीरियम, इसके अंदर क्या पड़ा है इस माइनिंग वाले के अंदर, ज़रा देख लूँ, हाँ इसके अंदर भी कुछ पड़ा हुआ है, देखो ये पता नहीं कौन सा है, मैं भूल गया शायद ये, ठीक है, और इलेक्ट्रोनियम है मेरे पास। तो मैं तुम्हें सब दिखाता हूँ, जैसे जी कैश किया मान लो तुमने, फॉर एग्जांपल जी कैश काफ़ी पॉपुलर करेंसी है, तो इसमें अलग अलग सिस्टम होते हैं हर किसी में एडिट करने के। तुम्हें क्या करना है, जब तुम डाउनलोड कर लो तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो गई है, ठीक है, ये कुछ ऐसा खुलेगा, तुम इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तुमने देखो सबसे पहले एक चीज़ खोलो, ये कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट दिख रहा है, अगर ये तुम्हारे इस फोल्डर के अंदर है जो तुमने एक्सट्रैक्ट किया है जिस करेंसी का, उसको एडिट पर दबाओ, यहाँ से राइट क्लिक मार के एडिट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो या तो ये ब्लैंक खुलेगा ये वाला पेज, या इसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा देखने को मिला है, तो यहाँ पे देखो ZWAL मतलब जी कैश का वॉलेट तुम्हें डालना है। यहाँ पे तुम अपना जी कैश का वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दो, ठीक है, यहाँ पे तक, यहाँ पे फुल स्टॉप दिखा रहा है। फिर यहाँ पे तुम्हें अपना नाम पेस्ट करना है, यहाँ पे ईमेल, ठीक है, तो ये सब कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हारा जो है, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं, तो मैंने तुम्हें दिखाया था ना कि एशिया का
यूज करना है। जापान में रहते तो हम ये जैवान वाला यूज करते हैं, पर हम एशिया में रह रहे तो हम ये यूज करेंगे। पोर्ट हम जो है वो दिए हुए हैं, क्या यूज करने हैं यहाँ पे जाएंगे, और पोर्ट ये 663 है, तो हम इसे चेंज करके जो भी ये दिए हुए हैं इनको चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये चेंज कर लेना और उसके बाद इसे करके सेव कर देना। तो जैसे तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हारा जो ये सेव हो जाएगा, उसके बाद तुम डायरेक्टली ये स्टार्ट डॉट बैट है इस पर डबल क्लिक मार के इसे भी खोल सकते हो, और देखो इसमें अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुम इसे जैसे रन करोगे तो तुम्हारी जो है माइनिंग शुरू हो जाएगी, और इसकी एक लिमिट होती है, इसकी एक लिमिट होती है। मैं तुम्हें भी सब बताऊंगा, लेकिन मैं और दिखा देता हूँ तुम्हें और क्या होता है। जी कैश हमने देख लिया, मैं तुम्हें इथीरियम का दिखा देता हूँ। ये हर उसका अलग हो सकता है, हर सॉफ्टवेयर अलग तरीके से काम करता है, तो ये क्या पता अलग काम करे, तुम्हारे उसमें कुछ अलग काम करे, तो ये सब देख लेना। ठीक है, और जैसे मान लो तुम इस तरीके का यूज करो, तो ये डुअल माइनर है। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जैसे ये इथीरियम प्लस पास्कल लिखा हुआ है, इथीरियम क्लासिक है ये, ईटीसी होता है इथीरियम क्लासिक। तो ये जब तुम इसे रन करोगे तो ये तुम्हारे लिए दो करेंसी माइन करेगा, इथीरियम क्लासिक और पास्कल। ठीक है, तुम ये नीचे वाला रन करोगे तो ये इथीरियम क्लासिक प्लस साया कॉइन माइन करेगा, तुम ये वाला रन करोगे तो इथीरियम प्लस पास्कल, ये करोगे तो इथीरियम प्लस साया कॉइन, और ये करोगे तो सिर्फ इथीरियम क्लासिक, और ये करोगे तो सिर्फ इथीरियम। ठीक है, तो ये सब इसमें अलग अलग दिए हुए हैं। और ये पता नहीं कहाँ से प्रेशर कुकर की आवाज आ रही है बैकग्राउंड में, तुमने सुना कि नहीं सुना, पर ये मेरा नहीं है, मेरे घर का नहीं है, पता नहीं किसी और का। ठीक है, तो जैसे तुम इसे इसमें तुम करोगे राइटली, देखो इसके अंदर भी कॉन्फिग डॉट टेक्स्ट है। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो देखो यहाँ कुछ इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें बस तुम्हें दिया हुआ है कि रिमूव द हैश कैरेक्टर्स वगैरह वगैरह ये सब। ठीक है, तुम डायरेक्टली से यहाँ से एडिट कर सकते हो इन वालों में से, वहां पे भी तुम कर सकते थे, पर यहाँ पे जो तुम कर सकते हो, जैसे मान लो तुम्हें तुम्हें माइन करना है सिर्फ इथीरियम। ठीक है, तो तुम सिर्फ देखो स्टार्ट ओनली ईटीएच, मतलब स्टार्ट ओनली इथीरियम, तो यानी सिर्फ तुम्हें इथीरियम माइन करना है, तो तुम इसको जाके एडिट कर दो। यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से खुलेगा, और यहाँ पे देखो योर वॉलेट, योर वॉलेट मतलब जो तुमने वो मेटा मास्क वगैरह मैंने तुम्हें बताया था ना क्रोम में, यहाँ पे जो मेटा मास्क बताया था इजैक्स, यहाँ से जो तुमने अपना एड्रेस का वो कॉपी किया है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, पेस्ट यहाँ पे अपना एड्रेस पेस्ट कर दो, मतलब इस पूरे में जो है यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा वॉलेट पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा वर्कर, वर्कर मतलब तुम कुछ भी नाम रख लो, रामू श्यामू अपना नाम, माई पी सी, योर पी सी, इथीरियम माइनर, कुछ भी नाम रख दो वर्कर, जिससे तुम्हें ढूंढने में आसानी हो फिर बाद में, कुछ भी नाम रख लो। यहाँ पे ईमेल, जैसे तुम्हारा कभी मशीन डाउन जाती है, तुम्हारा सिस्टम कभी बंद पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तुम्हारा माइनर रुक जाता है, कुछ दिक्कत आती है, तुम्हारी ईमेल पे मेल आ जाएगा कि तुम्हारा जो वर्कर है वो उसने माइनिंग करना रोक दिया है, तो ये ईमेल इसलिए होता है। ये सब करने के बाद, पेस्ट करने के बाद तुम यहाँ पे जाके इसको सेव कर दो। यहाँ पे देखो ये EU1 सेट है, तुम इसकी जगह एशिया वाला पूल सेट कर सकते हो, यहाँ पे जाके ये वाला जो है ना अपना एशिया वाला, इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब करने के बाद इसे सेव कर दो, और सेव करने के बाद अरे यार वो कहाँ चला गया, ये रहा। सेव करने के बाद जैसे तुम डबल क्लिक मारोगे तुम्हारी माइनिंग होनी शुरू हो जाएगी। मैं अभी डबल क्लिक मार के माइनिंग इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे जो है मेरी जो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी यूज कर रहा हूँ ना ये रुक जाएगी, ठीक है, या फिर हैंग मारने लगेगी, इसलिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। तुम्हें कोई और करना है, जैसे मान लो ये डबल करेंसी माइनर तुम्हें यूज करना है, तुम इसको भी सेम तरीके से कर सकते हो। एडिट में गए, खोला इसको, यहाँ पे देखो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये पहले से चेंज कर लेना, एशिया वेशिया जो भी तुम्हारा है, तुम जहाँ भी रहते हो, वैसे तो हम सब इंडिया वाले हैं तो एशिया यूज करेंगे। यहाँ पे तुम वॉलेट डाल देना, ठीक है, और यहाँ पे वर्कर डाल देना अपना, जो भी नाम तुम्हें डालना है, यहाँ ईमेल डाल देना। ठीक है, क्योंकि ये हमारा उसका है, तो ये इथीरियम माइनर है, तो यहाँ पे तुम इथीरियम का डालोगे, और ये साथ में इथीरियम के साथ कौन सी कर रहा है, पास्कल कर रहा है। यहाँ पे जो है देखो योर पास्कल वॉलेट, देखो इसमें खुद ही लिखा हुआ है योर पास्कल वॉलेट, जो भी तुम्हारा पास्कल का वॉलेट एड्रेस होगा वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, ये पेमेंट आईडी में अगर तुम किसी क्या कहते हैं उसे, एक्सचेंज, एक्सचेंज का एड्रेस डाल रहे हो, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज अलग चीज होती है, तो तुम्हें यहाँ पे पेमेंट आईडी डालनी पड़ेगी, पर क्योंकि हम एक्सचेंज यूज नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पेमेंट आईडी नहीं डालेंगे, कुछ नहीं डालेंगे, तो खाली छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे तुम अपने वर्कर का नाम और यहाँ पे फिर ईमेल ऐसे डाल के फिर इसे यहाँ से जाके सेव कर देना, सेव हो जाएगा। उसके बाद डबल क्लिक मारोगे ये काम करने लग जाएगा। ठीक है, अब दूसरा और एक और तरीका बता देता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोनियम में है, इलेक्ट्रोनियम में अलग है, इलेक्ट्रोनियम में क्या है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोनियम में तुम्हारा इतना छोटा सा है ये, ठीक है, इसको जब तुम खोलोगे ना, तुम इसे एडिट करोगे तो देखो एडिट का ऑप्शन तो पहली बार दे नहीं रहा है। ठीक है, एडिट का ऑप्शन दे नहीं रहा है, जब तुम इसे एडिट करके रिनेम में जाके इसे exe से txt करोगे ना, txt config dot txt, तो भी तुम इसे रन करोगे तो एक खाली मिलेगा, इसके अंदर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे एडिट करना है, इसके लिए तुम्हें जो config dot test है ना, जो तुम्हें स्टार्टिंग होता था वैसे ही एडिट करना है। तो ये इतना बड़ा कुछ खुल रहा है तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये वॉलेट एड्रेस ढूंढना है तुम्हें कहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे वॉलेट एड्रेस होगा वहाँ पे तुम्हें अपना एड्रेस पेस्ट करना है। तो तुम इलेक्ट्रोनियम का कोई भी वॉलेट चूज कर लो, जो भी तुम्हें यूज करना है, यहाँ पे अपना वॉलेट एड्रेस पेस्ट कर दो और इसे सेव कर दो। ठीक है, तो उसके बाद जब तुम इसे डबल क्लिक मारोगे हमारी माइनिंग शुरू हो जाएगी,
और साया कॉइन माइन करना है अगर तुम्हें, तो साया कॉइन का भी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये देखो, ये साया कॉइन का है। साया कॉइन का देखो इतना छोटा है, मैं मर्लिन यूज करता हूँ, तुम कोई और भी यूज कर सकते हो। इसको मैं एडिट करूंगा, यहाँ पे देखो साया एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे भी साया एड्रेस पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी, इसमें सेट करने का ऑप्शन है, तुम चाहो तो इंटेंसिटी सेट कर सकते हो, और सेव, और उसके बाद फिर से इसे डबल क्लिक मार के तुम चाहो तो रन करके अपनी माइनिंग शुरू कर सकते हो। तो ये तो हो गया, तुम्हारी माइनिंग शुरू हो गई, तुमने जैसे जैसे माइनिंग कर ली, ठीक है, ये सब तुमने सेट कर लिया। अब मान लो जो भी तुम्हारा एड्रेस था, इथीरियम उथीरियम जो भी तुमने माइन किया, ठीक है, से माइनिंग में चले गए, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने ये जैसे कोई है, मैंने खुद की TXT फाइल बनाई थी, जैसे मेरा माइनिंग एड्रेस है फॉर एग्जांपल, इसमें दिया हुआ, इसमें नहीं है यार मेरा माइनिंग एड्रेस, किसमें होगा, इसमें देखता हूँ मेरा माइनिंग एड्रेस कहाँ है। हाँ इसमें है ना मेरा माइनिंग एड्रेस, ये रहा मेरा एड्रेस। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसे कॉपी कर दिया मैंने। अब तुम्हें देखना है तुमने कितना माइन कर लिया, तुम्हारी माइनिंग चल रही है, अब तुम्हें देखना है तुमने कितना माइन कर लिया। तो देखो तुम क्या करो, जैसे मान लो ये इथीरियम खुला हुआ है ना अभी, जैसे नैनो पूल में जाते हैं, ठीक है, तुम जाओ, तुम जो भी माइन कर रहे हो, इथीरियम क्लासिक, साया कॉइन, पास्कल, मोनेरो, इलेक्ट्रोनियम, जो माइन कर रहे हो, ठीक है, उस पे जाओ। जैसे इथीरियम पे, जैसे तुम मान लो इथीरियम माइन कर रहे हो, तो इथीरियम पे चल जाओ। जब तुम्हारा माइनिंग को कम से कम 1-2 घंटे हो जाए ना, ये उसके बाद करना है, तो मैं ये तभी काम करेगा, ये थोड़ा टाइम लेता है ना। तो 1-2 घंटे बाद क्या करना, जो भी तुम्हारा एड्रेस है, मान लो तुम्हारा इथीरियम माइन कर रहे थे, तो इथीरियम को जो तुम्हारा वॉलेट एड्रेस है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना ऐसे। अभी तो देखो मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये मेरा दिखाएगा नहीं, मैं पहले बता देता हूँ, तो और उसको सर्च कर देना, ठीक है। तो ये क्योंकि मैं माइनिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये अकाउंट नॉट फाउंड दिखा रहा है, लेकिन जब तुम माइनिंग करोगे, तुम्हारा 1-2 घंटे हो जाएंगे माइनिंग करके, तो ये तुम्हारा दिखा देगा तुम्हारी कितनी माइनिंग हो रही है, तुम्हारे उसका नाम क्या है, तो तुम ऐसे करके सर्च कर सकते हो। और यहीं पे से तुम्हें वो ऑप्शन भी देगा कि तुम सेंड कर लोगे, तो जैसी तुम्हारे कुछ लिमिट होती है इसमें, कि जब तुम्हारे 100 इथीरियम होंगे, 100 तो नहीं होंगे वैसे, 1 इथीरियम जब तुम्हारा हो जाएगा, 0.001, जब तुम्हारा 0.001 इथीरियम हो जाएगा, वो तभी तुम्हारे वॉलेट में सेंड होगा। तो टेंशन मत लेना कि मेरे वॉलेट में तो यहाँ पे जो है वो दिखाई नहीं रहा है मैंने कितना माइन किया वगैरह, मेरे वॉलेट में तो कुछ नहीं आया। तो लिमिट होती है उसकी, कि जब तक 0.1 इथीरियम माइन नहीं हुआ, तब तक तुम्हारे वॉलेट में नहीं जाएगा, और ये ऑटोमेटिक हो जाता है, वो अपने आप चल जाता है तुम्हारे इथीरियम में, इथीरियम वॉलेट में। जैसे तुम 0.001 इथीरियम माइन कर लोगे, वो अपने आप तुम्हारे इथीरियम वॉलेट में सेंड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना, वो तुम्हारा यहीं पर दिखा देगा। चलो मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, मैं तो तुम्हें ये दिखा रहा था, से काटते हैं, मैं जो हूं अभी तुम्हें इलेक्ट्रोनियम का दिखाता हूँ। तो ठीक है, मैं कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो इलेक्ट्रोनियम बहुत आसान है आजकल माइन करना, बहुत इसके लिए कम हैश रेट चाहिए, मतलब ज्यादा कुछ पावर नहीं चाहिए, और मेरे ख्याल से शायद ये सीपीयू से भी माइन हो जाता है। मोनेरो भी जो तुम्हारा है वो सीपीयू से भी माइन हो जाता है। तो ये तुम्हें क्या करना है, देखो ये इथीरियम का है, ये मेरा है, मैं माइन कर रहा था कुछ देर पहले इथीरियम, देखो मेरे पास 59 इलेक्ट्रोनियम पड़े हुए हैं, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है इलेक्ट्रोनियम का, ये देखो ये मेरा इलेक्ट्रोनियम का वॉलेट एड्रेस है, ठीक है। तो देखो मेरे पास है 59 इलेक्ट्रोनियम, ठीक है, और इसमें जो मिनिमम पे आउट है वो 100 इलेक्ट्रोनियम का है। तो पेमेंट जैसे, तो मेरा 100 इलेक्ट्रोनियम होगा, 100 इलेक्ट्रोनियम होते ही मेरा जो है इलेक्ट्रोनियम, मेरे इलेक्ट्रोनियम वॉलेट में जितना ये माइन हो रहा है 59, ये वहां पे सेंड हो जाएगा। मैं तुम्हें साया कॉइन भी दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सा साया कॉइन माइन किया था सिर्फ टेस्ट करने के लिए। तो साया माइनिंग वाली जो ये वेबसाइट है, मैंने यहाँ से, इसमें मेरा वो है, तो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ मैंने कितना माइन किया हुआ है, साया कॉइन दिखा देता हूँ, ऐसे मैंने टेस्ट किया था। यहाँ पर मेरे पे साया का एड्रेस कहाँ गया मेरा, मैं तुम्हें साया का एड्रेस पहले निकाल लेता हूँ, मेरा साया का एड्रेस कहाँ गया। अरे अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या हो गया, प्रिंट पे दबा दिया मैंने, मैंने प्रिंट पे कर दिया, पे चलना बे, एडिट एडिट एडिट, साया एड्रेस ये रहा मेरा, क्या कॉपी। तो ऐसे ही पता चलता है, देखो तुम्हें वहां पे सर्च ऊपर करना था ना इथीरियम वाले में, इसमें तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है, पेस्ट किया मैंने गो, तो यहाँ पे दिखा देगा ये मेरे पास, देखो 30 साया कॉइन्स है, देखो इनएक्टिव फॉर 5 डेज, मैं कह नहीं रहा हूँ मैंने टेस्ट के लिए किया बस, ये तो मैंने 5 दिन से माइनिंग नहीं किया, मैं सिर्फ टेस्ट कर रहा था। मेरे पास 30 साया कॉइन पड़े हुए हैं, साया कॉइन बहुत अच्छी करेंसी है, लोग काफी अच्छा बोल रहे हैं इसके बारे में, तुम चाहो तो तुम भी माइन कर सकते हो। तो पर मुझे इलेक्ट्रोनियम पे भरोसा है, मैं इलेक्ट्रोनियम कर रहा हूँ आजकल माइन। तो देखो 59 इलेक्ट्रोनियम है, इलेक्ट्रोनिक की कीमत आजकल शायद 10-12 रुपए है, इंडियन रुपीज में अगर मैं बोलूँ 10-12 रुपए है, लेकिन अगर इसकी कीमत $1 जाती है, तो इसमें है 100 100 इलेक्ट्रोनियम पे पेआउट, यानी जब 100 इलेक्ट्रोनियम होंगे तब तुम निकाल पाओगे इलेक्ट्रोनियम, ठीक है। तो जैसे ही 100 इलेक्ट्रोनियम होंगे, और अगर इलेक्ट्रोनियम की कीमत $1 जाती है, जो कि जा भी सकती है, रिपल कॉइन 25 सेंट से $4 गया था, ये तो फिर भी $1 तो जा ही सकता है। जैसे ही $1 जाएगा और तुम्हारे पास 100 इलेक्ट्रोनियम है, तुम्हारे पास अगर 100 इलेक्ट्रोनियम है और इसकी कीमत $1 जाती है, तो वैसे में $67.68 होती है, ₹1.67 मतलब $1.67.68 के बराबर होता है, लेकिन अगर हम 60 भी मान के चले, 60 भी कम भी मान के चलते हैं, तो भी तुम्हें ₹6,000 मिल जाएंगे अपने उसके। कैसे मिलेंगे तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, किसी एक्सचेंज में अकाउंट बनाना पड़ेगा, जैसे पोलोनिक्स हो गया, कहाँ गया, अरे इसकी ऐसी की तैसी,
मैं एक हाथ से टाइपिंग कर रहा हूँ ना गाइस, मेरा दूसरे हाथ में जो है ना वो ठंड है, मतलब ठंड नहीं, मतलब मैंने चादर के अंदर डाला, मतलब कंबल के अंदर डाला हुआ है, तो मैं अपने हाथ जो है कंबल से बाहर नहीं निकालना चाहता हूँ, तो मैं एक ही हाथ से अभी काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अभी चेयर में बैठा हुआ हूँ और कंबल से पूरी तरीके से लिपटा हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये मेरे उसमें कुछ ये भेजेगा, तो मैं 1 मिनट ही, मेरे उसमें कुछ भेजेगा यार, मैं साइन इन कर लेता हूँ जरा। ठीक है, ये मेरे उसमें वो भेजता है, पिन भेजता है, ठीक है, ऑथेंटिकेटर जो है वो पिन भेजेगा, तो मैं पिन जरा चेक कर लूँ। ठीक है, तो टू मैंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ की हुई है, तो अब ये हो जाएगा, तो मेरे पिन पिन में डालूंगा तभी ऑन होगा। अब देखो ये कुछ इस तरीके का खुलेगा एक्सचेंज, तो एक्सचेंज और वॉलेट में अंतर ये होता है कि एक्सचेंज जो है वो तुम्हारा एक्सचेंज के लिए बना हुआ है, और वॉलेट मतलब तुम, वॉलेट मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारा जो पर्स, पर्स मतलब नॉर्मल जिसके अंदर तुम पैसे रखते हो, तो जो ये हमने जैक्स और मेटामास्क यूज किए थे ये वॉलेट थे, मतलब इनके अंदर तुम रख सकते हो, रख तुम इसके अंदर भी सकते हो, पोलोनिक्स के अंदर, पोलोनिक्स एक्सचेंज है, मतलब तुम यहाँ से जो है वो अपने बिटकॉइन को इथीरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, इथीरियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी करेंसी को किसी भी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब तुमने 100 इलेक्ट्रोनियम कमाए, अब इंडिया में जो है वो इलेक्ट्रोनियम के लिए कोई वो नहीं है, एक्सचेंज नहीं है कि मतलब जिससे तुम पैसे निकाल पाओ, फिलहाल तो नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक, दूसरा क्या पता हो तो क्या पता बाद में, पर अभी तो फिलहाल नहीं है शायद, अगर तुम्हें है तो मुझे बताना। तो जैसे मान लो तुमने इलेक्ट्रोनियम माइन करे, तो इलेक्ट्रोनियम माइन तो वैसे इसमें ये पोलोनिक्स जो है वो इलेक्ट्रोनियम को सपोर्ट नहीं करता, इलेक्ट्रोनियम को मेरे ख्याल से शायद कौन सपोर्ट करता है, क्रिप्टोपिया नाम का एक्सचेंज है, क्रिप्टोपिया, हाँ क्रिप्टोपिया नाम का एक्सचेंज है, वो इलेक्ट्रोनियम को सपोर्ट करता है मेरे ख्याल से शायद। हाँ तो तुम क्रिप्टोपिया पे अकाउंट बना लेना, क्रिप्टोपिया पे अकाउंट बना लेना मेरे ख्याल से शायद, तो क्या बोलते हैं वो सपोर्ट कर जाएगा मेरे ख्याल से क्रिप्टोपिया वाला शायद, हाँ क्रिप्टोपिया पे करता है मेरे ख्याल से, तो पोलोनिक्स नहीं से करता, लेकिन पोलोनिक्स में जो है वो इथीरियम कर देता है तुम्हारा सपोर्ट, इलेक्ट्रोनियम सपोर्ट कर देता है, नहीं, इथीरियम सपोर्ट करता है इसमें, इथीरियम करता है इसमें, साया कॉइन करता है इसमें, रिपल बहुत सारा है, पर इलेक्ट्रोनियम नहीं करता है, तो इलेक्ट्रोनियम के लिए तुम्हें क्रिप्टोपिया पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो क्रिप्टोपिया भी कुछ इसी तरीके की है, मतलब मेरे ख्याल से शायद इसी तरीके का, तो तुम्हें क्या करना है अपने जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रोनियम है उनको तुम्हें बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, जितने भी तुम्हारे पास 100 100 इलेक्ट्रोनियम होंगे, यार मैं इलेक्ट्रोनियम और इथीरियम में कन्वर्ट हो कंफ्यूज हो जा रहा हूँ बोलने में, तो 100 इलेक्ट्रोनियम जो भी हैं उनको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट करने का ऑप्शन तुम्हें मिल जाएंगे, इसमें तो नहीं करेगा, तुम उसमें अकाउंट बना लेना क्रिप्टोपिया में, मैंने बनाया हुआ है, पर अभी मैं लॉग इन करूंगा तो उसमें भी फिर पिन पोन डालना है, मेरे फोन नंबर पे जो है वो आएगा, क्या बोलते हैं उसे, ओटीपी वगैरह, तो उसमें टाइम खप जाएगा फालतू का, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ, तो और कुछ सिक्योरिटी रीजन भी हैं तो इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसमें जैसे तुम अकाउंट बनाओगे और तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, एक बार सब कुछ सेटअप हो जाएगा, तुम जो है उसमें अपने उसको बिटकॉइन में कन्वर्ट कर देना। अब बिटकॉइन में कन्वर्ट करने के बाद होगा क्या, उस बिटकॉइन में कुछ बन जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा, अब तुम्हारे पास आ गए बिटकॉइन, अब उस बिटकॉइन को एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम है जेप्पे, इंडिया में जेप्पे सपोर्ट करती है, जेप्पे 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 जेप्पे, ये रहा जेप्पे भी है, और शायद एक और आई है, शायद कोई एक और आया है इंडिया में, एक और खुली है मेरे ख्याल कैसे है वो शायद, तो इसमें तुम ये मोबाइल फोन के लिए भी आती है, तो मोबाइल फोन में जेप्पे नाम का ऐप होगा, उसमें अपना आधार कार्ड वगैरह डाल के वो कर लेना, अपना आईडी वगैरह प्रूफ करा लेना, आधार कार्ड वगैरह डाल के अपना अकाउंट बना लेना, तो वो तुमसे आधार कार्ड वगैरह मांगेगा, मेरे ख्याल से मुझसे भी मांगा था, उसके बाद तुम्हारा 1 दिन के अंदर तुम्हारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, वो बन जाएगा, उसके बाद उसमें जाना ऑप्शन देगा तुम्हें तुम्हारा रिसीविंग एड्रेस का, तुम्हें जैसा ये बिटकॉइन का एड्रेस, इथीरियम का एड्रेस मिला ना इस जैक्स वैक्स में, तो देखो ये कुछ इस तरीके का है, फोन में भी खुल जाता है, तो देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है तुम्हें रिसीव का ऑप्शन, यहाँ पे, यहाँ मेरे माउस का कर्सर दिख रहा है तुमको यहाँ पे, तो ये रिसीव का एड्रेस तुम्हें देगा, तो तुम जैसे वो रिसीव का एड्रेस जो है वो जो पोलोनिक्स में जो था ना तुम्हारा, पोलोनिक्स में वहां पेस्ट करना, और जितने भी तुमने इलेक्ट्रोनियम को बिटकॉइन में कन्वर्ट किया है उसको इसमें डाल देना, उसको इस जेप्पे नाम की ऐप में डाल देना, अब जेप्पे नाम की ऐप में तुम्हारे पास बिटकॉइन आ गया, अब उस बिटकॉइन को तुम जो है वो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे तुम उसको कन्वर्ट कर दोगे, जैसे तुम उनको बिटकॉइन को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर दोगे, तो उसके बाद जो है वो जो भी तुमने स्टेट बैंक का अकाउंट, या तुम्हारा एक्सिस बैंक का, या तुम्हारा आईसीआईसीआई बैंक का, या फिर तुम्हारा पंजाब नेशनल बैंक का, या फिर तुम्हारा बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर कर्नाटका बैंक, कोई भी बैंक है, उसके बाद तुम उसमें जो है अपने बैंक में वो पैसे भेज सकते हो। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाने के लिए मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बिटकॉइन खरीदूँ, और बिटकॉइन वैसे बहुत महंगा है, तो इलेक्ट्रोनियम मेरे पास अभी 50 ही हैं पड़े हुए माइन, अभी कर लूँगा 1 2 दिन में, मेरे भी 100 हो जाएंगे, तो इसको एक्सचेंज करके मैं तो बेचूंगा नहीं, मैं पहले इनकी कीमत बढ़ने का इंतजार करूंगा, इनकी कीमत बढ़ जाएगी
तो फिर मैं इसको बेचूंगा। तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम कोई भी करेंसी माइन कर सकते हो। जीपीयू अपना देख लो, 1060 1070 जो भी है उसका गूगल पे हैश रेट चेक कर लो, जो भी तुम्हें मिलता है। तुम ओवरक्लॉक भी कर सकते हो और इस तरीके से जो है तुम अपनी माइनिंग शुरू कर सकते हो। बाकी माइनिंग रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन और फेसबुक का पेज तो है ही, तो तुम वहां तो पूछ ही सकते हो क्या दिक्कत आ रही है पूछने में। कमेंट सेक्शन और फेसबुक का पेज तो है ही, और यही था। और मैं तो बस आज की वीडियो में बस यही बोल रहा था। और मेरी आरजीबी एलईडी लाइट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला था, पर आरजीबी एलईडी जो है वो अभी तक आई नहीं, वो अमेजोन वाले लेट कर देते हैं ना कभी कभी। किसी किसी जो मेट्रो सिटीज होती हैं वहां तो वो जल्दी डिलीवरी कर देते हैं, लेकिन जो छोटी मोटी दूसरी सिटीज होती है, मेरी मेट्रो सिटी नहीं है, तो वहां पे जो है वो डिलीवरी करने में 2 से 3 दिन का वक्त ले लेते हैं वो, तो इसलिए जो है वो अभी तक आई नहीं। जैसी आरजीबी एलईडी का मतलब घर में पहुंचती है, मैं उसके अगले दिन ही उसका मतलब सब कुछ करके सेटअप वगैरह करके पेश कर दूंगा वीडियो। तो ये जो है ये मैंने पूरा बता दिया डिटेल में कि तुम्हें माइनिंग कैसे करनी है। और हाँ एक तरीके एक और सॉरी ये तो मूवी खुल गई, मैंने पिछली वीडियो में एक बार बताया था एक एक सॉफ्टवेयर माइनर गेट के बारे में। तो ये जो है ये पूरे तरीके से मुझे तो फ्रॉड लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको जब किया, अभी तो ये दिखा नहीं रहा है, तो मैंने जो है इसमें काफी देर तक मैंने इसमें मोनेरो माइन किया, वो आज तक कन्फर्म नहीं हुआ। सच बता रहा हूँ मेरा मोनेरो आज तक कंफर्म नहीं हुआ इसमें, ठीक है। मैंने इसमें कुछ और माइन किया करेंसी, ठीक है चलो दिखाई देता हूँ। एक हाथ से टाइपिंग करने में दिक्कत भी बहुत आती है। तो लॉगिन हो जाए भाई, वेरिफिकेशन कोड आएगा यार अब फोन में ना, एक तो इस वेरिफिकेशन कोड का बड़ा दिक्कत है। वेरिफिकेशन कोड आया क्या? वेरिफिकेशन कोड तो नहीं आया। ईमेल में आएगा क्या वेरिफिकेशन कोड? किस में आएगा भाई वेरिफिकेशन कोड? क्या मेरे को तो कोई नहीं आया वेरिफिकेशन कोड भाई, क्या दिक्कत है? वेरिफिकेशन कोड तो मुझे कोई नहीं आया। नहीं, कोई वेरिफिकेशन कोड नहीं आया भाई। तो छोड़ो इसको, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें, और जो जो छोटी मोटी करेंसीज होती है ना, मोनेटा वर्ड है और कुछ फैंटम कॉइन ऐसी बेकार बेकार जिनकी वैल्यू अभी नहीं है, वो इसमें वेरीफाई हो गई। इथेरियम क्लासिक को छोड़ के मेरा कोई करेंसी इसमें मतलब मैंने माइन करी और वो आज तक अभी कंफर्म नहीं हुई है। तुम इस पर माइन मत करना, तुम माइनर गेट पे, ये मेरी पर्सनल राय है। और अगर सच में तुम्हारा कंफर्म हो रहा है बैलेंस तो तुम कर भी सकते हो, पर मेरा तो उसमें नहीं हुआ तो मैंने उसमें माइनिंग नहीं की। बेकार था वो, बहुत ही बेकार, एकदम घटिया चीची। और मूवी जब तुम बोल ही रहे हो तो मैं हंगर गेम्स का जो है वो 2012 वाला सबसे पहला पार्ट देख रहा हूँ। हालांकि मैंने मेरे पे पहले से इसके बाकी पार्ट पड़े हुए थे, पर कोई बीच का एक पार्ट नहीं था, तो मैंने कहा कि जब देखूंगा तो फ्लो में देखूंगा, इसलिए मैंने अभी तक नहीं देखा था, तो अब मैं देख रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं सुबह जो है वो रेजिडेंट ईविल देख रहा था, ठीक है। रेजिडेंट ईविल मेरे को वैसे हॉरर मूवी बिल्कुल नहीं पसंद, पर रेजिडेंट ईविल मैंने इसलिए देखी, चलो कभी और बताऊंगा क्यों देखी मैंने, पर कुछ रीजंस है, कभी बाद में बात करूंगा। दूसरी बात मैं ये बोल रहा था कि अपने एक सब्सक्राइबर हैं, क्या नाम है उनका, एच से है उनका नाम, सुभाजित दे करके है शायद मेरे ख्याल से नाम उनका, सुभाजित ऐसे ही है कुछ उनका नाम, भूल गया मैं, भूल गया कहाँ 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 गया। हाँ ये रहा, ये है उनका ईमेल, और मैं दिखाता हूँ तुम्हें कुछ चीज, कमाल की चीज। तो ये देखो उन्होंने जो ये है ये अपना एक कूलर लिया था, कैबिनेट लिया था, देखो ये क्या नाम है इसका, H200P है शायद इसका नाम, इस कैबिनेट का नाम शायद, हाँ H200P। देखो उन्होंने H200P कैबिनेट ले लिया है, तो बड़ा खतरनाक कैबिनेट है यार। तुमने इसको अगर तुम्हें पता हो ये कैबिनेट कितना बढ़िया है तो तुम्हें पता होगा H200P है जो भी इसका नाम है। मैं शायद नाम में बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ चीज़ों में। H200P बहुत अच्छा नाम है, अच्छा नाम नहीं मतलब अच्छा केस है। तो उनको पहले तो डिस्क्रिप्शन में सॉरी कमेंट सेक्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन बोल दो यार एक बार, इतना भयंकर कैबिनेट लिया है, अमेजोन पे 18,000 का बिक रहा है वो कैबिनेट, ठीक है। तो देख सकते हो तुम लोग एक नज़र उस कैबिनेट की तरफ। तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आई होगी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और एक चीज़ मैं तुम्हें अगली वीडियो में बताऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। चलो तो आज की वीडियो तुमको कैसी लगी वो सब बताना मुझे कमेंट्स वगैरह में। और वीडियो जिसने पूरी पूरी देखी है, ये 30 मिनट की वीडियो हो चुकी है, जिसने पूरी पूरी देखी वो जरूर कमेंट में बताना मुझे किस किसने पूरी देखी। तो धन्यवाद भाई, टेक केयर, मेरा खाना आ गया, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मेरा खाना जो है वो आ चुका है। टाइम तुम नीचे देख ही सकते हो कितना बज रहा है, अभी आज हो रहे हैं ये देखो टाइम भी चल रहा है, तो खाना खाने का टाइम हो गया। धन्यवाद भाई, टेक केयर।